पेश है मूवी रिव्यू डॉनकी। कलाकार है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बमन ईरानी, विक्रम कोछड़ और अनिल ग्रोवर आदि। लेखक राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और कनिका धिल्लन। निर्देशक राजकुमार हिरानी। निर्माता राजकुमार हिरानी और गौरी खान। रिलीज 21 दिसंबर 2023। ये फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिस पर शायद पहले बात नहीं हुई है। इसके लिए हिरानी को जरूर पूरे नंबर मिलने चाहिए। डॉनकी सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज हो गई है, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप थी और फिर ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का पहली बार एक साथ आना भी था। फिल्म का टॉपिक भी अच्छा है। फिल्म में एक अहम संदेश को बहुत मनोरंजक तरीके से पेश किया गया है। फर्स्ट हाफ में राजू हिरानी ने स्क्रीन प्ले को बांधे रखा है। फिल्म में एक अहम सूचना भी दी गई है। सालों पहले लोग वीजा के अभाव में कैसे विदेश पहुंचते थे, उनका स्ट्रगल क्या होता है, इस फिल्म में इन सारे पहलुओं को एंटरटेनिंग अंदाज में दिखाया गया है। डॉनकी की स्टोरी पंजाब के एक गांव लालटू के चार युवाओं की है जो विदेश जाना चाहते हैं। उनका सपना लंदन जाकर पैसे कमाना है। हालांकि गरीब घर से होने और अंग्रेजी न आने की वजह से उन्हें वीजा नहीं मिलता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ हंसाता है, सेकंड थकाता है और अंत आते आते सब मजाक बनकर रह जाता है। डॉनकी में भी इमिग्रेशन का मसला लेकर आए हैं राजकुमार हिरानी और बताया कि किस तरह लोग बिना वीजा के भी विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं। एक फौजी के रूप में शाहरुख खान इस गांव में आते हैं और इन बेसहारा युवाओं के रहनुमा बनते हैं। फिल्म में शाहरुख के किरदार का नाम हाडी है। हाडी लंदन जाने वाले 3-4 लोगों के ग्रुप का लीडर बनता है। वो सड़क और समुद्र मार्ग से अपने लोगों को लेकर लक्ष्य की तरफ निकल पड़ता है। अब लंदन जाने के बीच क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पूरी स्टोरी लाइन इसी पर बेस्ड है। फिल्म में देश की बेरोजगारी, विदेश में अच्छी जिंदगी आदि विषय पर हल्की चर्चा हुई है। मार्मिक तरीके से दिखाया गया है कि क्यों कोई इतनी तकलीफ उठाकर भी विदेश जाना चाहता है, कैसे विदेश का वीजा दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए का कारोबार अवैध तरीके से हो रहा है। फिल्म की कथा, पटकथा, निर्देशन और शाहरुख खान के औसत से अभिनय के अलावा फिल्म की दूसरी बड़ी कमजोरी इसकी प्रोडक्शन डिजाइन है। रिवर्स डॉनकी वाले सीन को छोड़कर फिल्म में कहीं कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको सीट से थोड़ा उछल कर बैठने के लिए उकसाए और ये सोचने पर मजबूर करे कि अब क्या होने वाला है। सारे कलाकार इतने गोरे चिट्टे नजर आते हैं कि निर्देशक को भी इसे स्थापित करने के लिए एक लाइन डालनी पड़ती है। मेरी माँ कहती थी तू बिल्कुल फॉरेनर लगता है। शाहरुख खान ने जान तो लगाई लेकिन राजकुमार हिरानी ने उन्हें आगे आने ही नहीं दिया और कमजोर कहानी देकर उनके साथ नाइंसाफी। तापसी पन्नू भी निराश करती हैं। बोमन ईरानी काफी बोरिंग हो जाते हैं। अनिल ग्रोवर और विक्रम कोचर के कई सीन यादगार है। कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनियां होती हैं जो यात्रियों को बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इन देशों में पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बदले वो मोटी रकम भी ऐंठती हैं। ये कंपनियां लोगों को हवाई मार्ग से न भेजकर सड़क और समुद्री रास्तों से भेजती हैं। हर देश में इनके एजेंट भी मौजूद रहते हैं। वो गैरकानूनी रूप से यात्रा करने वाले लोगों को ट्रकों, शिप और कंटेनर में भरकर एक देश से दूसरे देश का बॉर्डर पार कराती हैं। ऐसी यात्राएं कई दिनों तक चलती हैं। कई लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। फिल्म डॉनकी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करती है। पहला हाफ इतना खास नहीं है जो शाहरुख खान ने पठान और जवान से साल 2023 में अपनी पहचान बनाई, वो डॉनकी के कारण धुलती हुई नजर आ रही है। वहीं राजकुमार हिरानी ने अब तक की सबसे कमजोर फिल्म दी है। जो शाहरुख और राजकुमार हिरानी के फैंस हैं, वो इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिस पर शायद पहले बात नहीं हुई है। इसके लिए हिरानी को जरूर पूरे नंबर मिलने चाहिए। अगर आप इस हफ्ते फैमिली के साथ कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए जरूर एक बार जा सकते हैं। हमारी तरफ से 4-स्टार रेटिंग। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।